नमस्कार दुनिया वालों, अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। आज तारीख 20 नवंबर आ गई है और दिवाली के बाद लोग जो घरों में गए थे वापसी शुरू हो गई है। मोमेंट है, चहल पहल है, फूड कोर्ट में भी लोग आ रहे हैं। अभी कनॉट प्लेस मॉल के अंदर हैं हम। काफ़ी अच्छा मॉल है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा लॉन बना हुआ है। अगर आपको फैमिली के साथ आना है, पिकनिक मनानी है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। ये देखिए शानदार लॉन, इसमें फुफारे भी लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, पार्किंग करके ओपन पार्किंग है। 50 रुपये 30 रुपये रेट है, आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर डायनासोर थे और डंग बड़ंग था बहुत, वो तो हटा दिए इन्होंने, कचरा साफ सुथरा कर दिया, अंदर से इंडियन बना दिया। तो यहाँ की रौनक दिखा रहे हैं हम कि मॉल के अंदर क्या माहौल है, क्या रौनक है, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसी मूवमेंट चल रही है दिवाली के बाद, क्या बाज़ार का हिसाब किताब बैठ रहा है। खाना पीना तो चलता रहता है, कोशिश करो हेल्दी खाओ, शुद्ध खाओ। हाँ जी, हमारी टिक्की करारी कर देना जी। भैया जी अपना शुभ नाम बता दो। मेरा नाम सर उदयजीत यादव। उदयजीत यादव जी, दिवाली के बाद रौनक आई कुछ? बिल्कुल सर, रौनक 3-4 दिन तो काम पूरा मंदा हो जाता है मेरे ख्याल से जी। नहीं नहीं सर, अभी तो फिलहाल में सही चल रहा है, क्योंकि लोग सब चले जाते हैं घरों पे, लेबर चली जाती है छठ मनाने। नहीं नहीं सर, सही चल रहा है। अच्छा, अभी मूवमेंट है। चलिए, मूवमेंट रहनी बहुत जरूरी है क्योंकि माल के खर्चे बहुत ज्यादा है यादव जी। कामना चले तो मारा मारी हो जाती है। देखो जी, बच्चा पार्टी आई हुई है हमारी। हाँ जी, कुछ खा रहे हैं जी? ये और ये छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ मॉल के अंदर। हाँ जी, प्रभु श्री राम नमस्कार, प्रभु श्री श्याम, प्रभु आए हुए हैं। प्रभु कभी कभी धरती पे आ जाते हैं मिलने जुलने के लिए। रेड़ा ले रखा है, बिग बाजार तो डूब गया, मोर वालों का रेड़ा ले रखा है इन्होंने जी। ये देखिए जी, खा रहे हैं टिक्की, ये खा रहे हैं टिक्की। किसकी? पंकज की। क्या नाम उनकी देंगे? सैनी चाट भंडार। और रौनक है मॉल के अंदर, थोड़े गोलगप्पे के रेट तो बढ़ गए हैं, 5 रुपये का गोलगप्पा हो गया है। टिक्की कहीं 60 की है, कहीं 100 की है, कहीं 120 की है। और आजकल खाना पूरा वेस्टर्न स्टाइल हो गया है इंडियन के अंदर। देखिए इसमें आपको, अगर हम मीनू की बात करें, फ्राइज़ हैं, बर्गर हैं, वेफर्स हैं, गार्की सैंडविच हैं, मोमोज हैं, पास्ता है, काठी कबाब, फ्राइड राइस, चाइनीज़। लो जी, टिक्की आ गई जी, रखो जी। तो खाना पीना चेंज हो गया जी। रूबी जी कंपेयर करके देखो जी, भैया की टिक्की और वो। ये हैं जी ग्रेटर नोएडा के मॉल, कैसा माहौल है आप देख लीजिए। ये काउंटर अब परमानेंट ही हो गया, क्योंकि इससे एक तो रेंटल इनकम आ जाती है मॉल्स को और थोड़ा माल इनमें सस्ता मिल जाता है, अंदर की कंपेयर माल सस्ता मिल जाता है। भैया पश्मीना शॉल है आपके पास? पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल है, सेमी पश्मीने में आएगा। अच्छा, वो सुना है अंगूठी से निकल जाता पूरा शॉल। अच्छा, वो किस रेंज में होता है वैसे? मान लो बंदा कश्मीर जाता है, वहाँ लेता है श्रीनगर से, अलग अलग रेंज का आता है। कम से कम जैसे कढ़ाई वाला होता है, सिंपल अगर लें, सिंपल अगर होता होगा वो 10,000 से शुरू है, 10,000 से बढ़िया से बढ़िया 50,000 तक भी जा सकता है। लाख तक भी मिल जाएगा। और यहाँ कुछ काम निकल रहा है जैसे दिवाली पे लोग घर चले जाते हैं? थोड़ा थोड़ा खुल रहा है अभी, पूरा नहीं निकल रहा, भीड़ नहीं आ रही इतनी। हो जाएगा धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम है मुदस्सिर। आप कहाँ से हैं? पहलगाम। अब तो वहाँ बर्फ शुरू होगी होगी गिरने? अभी नहीं हुआ, थोड़ा पहाड़ों पे ठंड बढ़ गई है। हाँ जी, बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो अब यहीं रहेंगे 3-4 महीने? बढ़िया बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये यहाँ का माहौल है, देख रहे हैं आप, किताबें भी हैं। 300 रुपये किलो है भैया हैं? अच्छा, और ये पीस के हिसाब से है। ये अंकल जी की कितने की है ये? 250 रुपये का अंकल है।
आप बिलो बना रहे हो? हम भी आएंगे। आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्या शुभ नाम है आपका? वंश। वंश, और आपका? समर। समर, हम ग्रेटर नोएडा के बारे में जानकारी देते रहते हैं लोगों को। अच्छा अच्छा। हमारा चैनल है सुपर डुपर इंडिया हेल्दी और इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। आप टाइप कर दो, आप बोलोगे आ जाएगा, ऊपरी आ जाएगा। देखिए, आपको चैनल ढूंढना हो, कुछ नहीं करना, सुपर डुपर इंडिया हेल्दी, ऊपर से पकड़ लिया उसने, ये आ गया। दूसरा बोलेंगे तो वो भी ऊपरी पकड़ लेगा, इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, ये आ गया। फोटो वोटो सब आ गया। हाँ, एक में 50,000 के आसपास, एक में 12,000 यार। देखो ऐसा है कि इसमें वीडियो बनाते रहो, महीने का खर्चा पानी निकाल जाता है। अच्छा। हाँ, मजदूरों वाली दिहाड़ी होती है जो 300-400 रुपये की दिहाड़ी निकल जाती है। हाँ, मतलब कि महीने का, मतलब कि बिल्कुल काम भी ना करो, मरे मरे ही तो भी 14-15,000 रुपये आ जाता है। खर्चा निकल जाता है। आप भी शुरू कर लो तो आसान है, कोई मरा मरी नहीं। इसमें कुछ नहीं करना, जीमेल अकाउंट है उसी में शुरू कर लो। देखो ऐसा है कि अभी जैसे मुझे दिवाली पे पिस्तौलें लेनी थी, मैंने नेट पे बच्चों की पिस्टल, अच्छा, वो 100 रुपये की बोल रहे थे, 10 रुपये की आ रही है होलसेल सदर बाजार में। अच्छा। मैं आपको यूट्यूब से नॉलेज मिल जाती है कोई भी चीज़ की, वो एक अच्छी चीज़ रहती है। बाकी ऐसा कि मान लो कोई ग्रेटर नोएडा छोड़ के चला गया, दूर बैठा है, फॉरन में बैठा है, उसे अच्छा लगता है देखने में। हाँ, वही तो। अब मेरे चैनल को, इसको पाकिस्तान में 5% लोग देखते हैं। कंट्री देख रही है आपको, क्योंकि सुपर डुपर इंडिया शब्द है ना, वो इंडिया डालते हैं तो इंडिया में ये वीडियो भी आ जाते हैं स्क्रॉल के अंदर, तो लोग देखते रहते हैं क्या चल रहा है। चलिए जी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो देखिए जी, लोग अवेयर हो रहे हैं, यूट्यूब भी एक अच्छा बिजनेस अगर किसी को करना हो, यंग बच्चों में बड़ा उत्साह रहता है। अभी हम मॉल के अंदर घूम रहे हैं जी, अभी रौनक आ रही है, कुछ लोग पहले थे, ज़्यादा लोग आ रहे हैं। देखिए ये रौनक है मॉल के अंदर की। आजकल ये ड्राई फ्रूट का कल्चर भी बड़ा आ गया है, आपको जगह जगह पे अफगान के ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं। आप तो अफगानी नहीं लग रहे यार, लोकल लग रहे हो आप तो। हाँ नहीं, ज़्यादातर इन काउंटरों पर अफगानी मिलते हैं मुझे। एक सिटी पार्क के सामने लगा हुआ है, वो अफगान से ही है, उनके फादर साहब हैं, उनके बेटा हैं, उनके पास भी यही वैरायटी है सारी। वो तो पुरानी दुकान है शायद, फर्स्ट फ्लोर पे, काफ़ी पुरानी दुकान है ना वो तो। यहाँ कितने दिन से हो? यहाँ सर मैंने अभी हो गया आने का सर 2 महीना। अच्छा, दिवाली पे जैसे लोगों के घर में बहुत ड्राई फ्रूट आ जाता है, तो उसके बाद बिक्री कम नहीं होती थोड़ी सी? मतलब बीच में थोड़ा डाउन, अप एंड डाउन होते रहते, ठंडा पड़ेगा। हाँ नहीं, यदि अभी बादाम सबके घरों में पहुँच गए, काजू वाजू पहुँच गए, अभी तो लोग अपना खा रहे हैं गिफ्टों वाला। सेल है, कम है जी। ये पर वैरायटी बहुत बढ़ गया, मुझे इनके नाम बताओगे क्या क्या चीज़ों के? ये क्या चीज़ है सर? ये ड्राई एप्रीकोट है सर। एप्रीकोट ड्राई वाली, ये एप्रीकोट है सर। अच्छा, इसी का लंबा कैसे बन गया ये? ये इसको बनाया जाता सर। अच्छा, मशीन से बनाते हो? नेचुरली बनाया। अच्छा, और ये काला काली वाली? ये ब्लूबेरी है सर। ब्लूबेरी जी। अच्छा, नीला रंगा भी काला लग रहा है। और ये? ये किरण बेरी है सर। किरण बेरी जी। ये तो चेरी हो गई। चेरी जी। और ये? ये रसबेरी सर। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें ये बीज वाला है सर, ये सीड वाला है, ये सीडलेस। अच्छा, इसमें हड़क नहीं निकलेगी। ये? ये सर मिक्स ड्राई फ्रूट, जितना भी हमारे पास ड्राई, जिम जाते हैं उनके लिए। हाँ, हाँ। जिम की खुराक जी, जी, जिम की खुराक। और ये काली काला? ये किशमिश है, कंदारी किशमिश। अच्छा, ये भी कंदारी है? 20 रुपये केजी है। आजकल ये ड्राई फ्रूट का भी बड़ा अच्छा ट्रेंड है। ये तो नॉर्मल हो गए, आपका पिस्ता हो गया, ये गुड़बंदी हो गया, मामरा हो गया, तो ये वैरायटी आजकल चलती रहती है। ड्राई फ्रूट को भी सुखा के तैयार किया जाता है। तो ये है मॉल का माहौल, है बाहर का माहौल है, अंदर का अलग से दिखा देंगे आपको। तो लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं अंदर। पहले यहाँ पे वो लगे हुए थे डायनासोर, इन्होंने डायनासोर वो सारे हटा दिए, तो अब अंदर से माल बड़ा खुला खुला लगता है। ये आगे यहाँ पे डायनासोर लगे हुए थे, अब इन्होंने हैप्पी दिवाली बना दिया, सामने स्पेस बड़ा खुला खुला हो गया है। अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा के मॉल के अंदर, नाम है कनॉट प्लेस। ये दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है उसका नाम चुराया हुआ है इन्होंने, तो चहल पहल है पहले के मुकाबले, माहौल ठीक है। ग्रेटर नोएडा में भी आबादी बढ़ रही है, रेट भी बढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से।
इंजॉय कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। हम आगे जी चुन्नू मुन्नू पार्टी के पास। चलिए जी बाय, बाकी सेकंड ब्लॉग में बात करेंगे।